14 सितंबर से शुरू होगा संसद का 18 दिवसीय मॉनसून सत्र। कोरोना से बचने के लिए बरती जाएगी विशेष सावधानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 सितंबर को करेंगे पहली वर्चुअल रैली। इस रैली से जदयू बिहार विधानसभा चुनाव की करेगी शुरुआत। सोनिया गांधी आज कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगी बैठक। नीट जेईई के साथ ही बकाया जीएसटी के मुद्दे पर होगी चर्चा। पुलवामा आतंकी हमले में जैश सरगना मसूद अजहर का हाथ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट में अजहर समेत 19 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स ब्यूरो भी जांच में हुई शामिल। रिया चक्रवर्ती से इस संबंध में करेगी पूछताछ। कोरोना वायरस महामारी की वजह से कई महीनों से बंद रही माता वैष्णो देवी यात्रा आज से शुरू हो गई है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ हेलीकॉप्टर बुकिंग का काम शुरू। पीएमसीएच में आज से गंभीर रूप से पीड़ित कोरोना संक्रमितों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया जाएगा। ये फैसला प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में लिया गया। प्रदेश में अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों को मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ। नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी। आश्रित व्यक्ति पर फायरिंग से फिर सुलगा अमेरिका। आक्रोशित लोगों ने विभिन्न शहरों में किया प्रदर्शन। सुरक्षा परिषद ने ईरान पर अधिक कड़े प्रतिबंध लगाने की अमेरिकी मांग की खारिज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति को कैबिनेट की मंजूरी। लकड़ी आधारित उद्योगों को 2 करोड़ तक का अनुदान देगी सरकार। गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन पुल का वैशाली और ताजपुर तक होगा विस्तार। केंद्र के प्रयासों से कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। और प्रदेश में कई नदियों के जलस्तर में आई कमी, लेकिन बाढ़ की वजह से लोग पलायन को मजबूर।